दसवां पेपर में श्रीमद् भागवत कथा की विशाल कलश यात्रा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। यहाँ कलश यात्रा के साथ सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत भी की गई। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेवर स्थित विदुर आश्रम पर शुरू हो रही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पहले निकाली गई कलश यात्रा की तस्वीरें हैं। बता दें, बेवर विदुर आश्रम रसूलाबाद में मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विराट सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुक्रवार को विशाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा के साथ आरंभ हो गया। शुक्रवार को अपराह्न विदुर आश्रम से नगर के प्रमुख मार्गों पर कलश यात्रा बैंडबाजों के साथ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे। ब्रह्मलीन संत शिरोमणि स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज की पुण्यतिथि दिवस पर 19 मई से 27 मई तक विदुर आश्रम माँ ज्वाला देवी शक्तिपीठ रसूलाबाद में जनकल्याण की भावना से पंचकुंडीय महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला का मंचन, संतों के प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को धार्मिक अनुष्ठान से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष श्रद्धालु शामिल रहे। नगर में जगह जगह कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को जलपान कराया गया। आश्रम महंत कुमारानंद गिरी ने बताया कि प्रतिदिन यज्ञ सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, भागवत कथा 2 बजे से 6 बजे तक तथा रासलीला का मंचन रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। निकाली जा रही है, कैसी क्या तैयारी हुई है, आप कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से बात करेंगे? कलश यात्रा जो है यहाँ विदुर आश्रम से शुरू होगी। जैसे अभी यहाँ पोथी पूजन होता है, जो यजमान है परीक्षित है उनका मुंडन होता है, पूजन होता है। पूजन के बाद माताएं बहनें बेटियां कलश उठाएंगी और यहीं से यात्रा प्रारंभ होगी। पूरे बेवर में होते हुए इटावा रोड से और जो पुलिस थाना है अपना वहाँ से होते हुए और फरुखाबाद रोड पे जहाँ काली नदी है वहाँ से हम लोग जल भर के लाएंगे और वापस आश्रम में यहाँ पंडाल जो लगा हुआ है वहाँ कलश स्थापित किए जाएंगे।